हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास इलेवेंथ में आप लोग देखेंगे, बेसिक्स होगा यहाँ पे, स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को और मेरे साथ लगे रहना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो या एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। इनको अगर आप सॉल्व करोगे और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो इजी नहीं होता है। इजी इन द सेंस कि आप सिंपल जो भी अभी तक मेथड्स पढ़े हुए हो उससे ईजिली सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो पॉसिबल नहीं होता है, ये नॉट पॉसिबल। रीज़न क्या है, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब नेगेटिव इंटीजर जो होगा, नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव इंटीजर वैसे उसका स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होगा, सो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है एक्स की वैल्यू ऐसा। ठीक है, ये रियल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, not a real number, so we can call it as an imaginary number, okay? We can call it as imaginary number. Okay? यहाँ पे सीधे अगर वन लाइनर में बात करना चाहें हम लोग तो क्या हो जाएगा, there is no real number whose square is a negative real number, okay? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक mathematician थे यूलर ने concept दिया यहाँ पर, एक term use किया, एक symbol use किया यहाँ पर, i, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, iota। ठीक है, iota क्या होता है, it is equal to the square root of minus वन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया था एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर, एंड यहाँ पे माइनस वन जो वैल्यू है, अगर इसका एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर हो गया, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस वन इंटू फोर। अब ये माइनस वन के प्लेस पे वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, क्या आई पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, सीधे फोर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, टू, एंड इनको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, आई स्क्वायर इंटू फोर। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर करेंगे आई के वैल्यू को तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन हो जाना है, सो माइनस वन के प्लेस पे आई स्क्वायर पुट करेंगे, और यहाँ पे माइनस वन है, माइनस वन के प्लेस पे हमने आई स्क्वायर पुट कर दिया, एन फोर का स्क्वायर रूट टू हो जाना है, एन आई स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर के बाहर आएगा तो आई हो जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, जैसे फाइंड करना चाहें हम यहाँ पे आई के वैल्यूज़ को, तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे आई इज इक्वल टू कितना था, आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन है, स्क्वायर कर दिया इनको, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन हो जाना है। ठीक है, अगर आई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो लिख सकते हैं इसको आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो जाएगा, यहाँ से हमने पुट कर दिया, इंटू आई हो गया, सो आई इंटू माइनस वन बिकम माइनस आई, एंड आई पावर फोर की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, आई क्यूब इंटू आई, आई क्यूब की वैल्यू कितना आया अभी यहाँ पर, माइनस आई आया, इंटू आई कर दिया हमने, सो आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे नेगेटिव का साइन था, हमने यहाँ पे पुट कर दिया आई, माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितना है, माइनस वन है, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, माइनस, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है तो पुट कर दिया यहाँ पे, देन माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, मीन्स आई पावर फोर इज इक्वल टू कितना आया, वन आया। क्लियर है इतना अभी। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करें, सपोज़ i पावर 20, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी यहाँ पे पावर होगा
उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई पावर 4 की वैल्यू तो 1 होता है एंड 4 5 जर 20 होता है, सो आई पावर 4 होल पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई पावर 4 की वैल्यू 1 हो गया होल पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 1। 1 का कुछ भी पावर हो वो वैल्यू 1 ही आना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही जनरल एक टर्म यहाँ पे लिखना चाहें, सपोज आई पावर एन है, ठीक है, तो इसको सिंबलाइज कर सकते हैं, मीन्स जनरलाइज कर सकते हैं यहाँ पे आई पावर 4m+r। ठीक है, इसी को सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखना चाहें तो आई पावर 4m इंटू आई पावर r, इसको स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से, एंड आई पावर 4m को ऐसे भी लिख सकते हैं आई पावर 4 होल पावर m इंटू आई पावर r। आई पावर 4 की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 होता है। ठीक है, सो 1 पावर m इंटू आई पावर r, 1 पावर m वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू आई पावर r, सो आई पावर n इज इक्वल टू आई पावर r हो गया। ठीक है, सिंपल मेथड है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ अभी इसको, बाकी क्वेश्चन अभी जब सॉल्व करेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना है। जैसे यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करें आई पावर 135। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको 135 को 4 से डिवाइड कर लीजिए अब। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 1 कैरी हुआ यहाँ पे 15 हो जाएगा, एंड 4 3 12, रिमेनिंग रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 3। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे आई पावर 4 जितना भी यहाँ पे डिवाइड करने पे इसका वैल्यू आया था 33 इंटू जो रिमाइंडर है इसको अलग से लिख लेंगे यहाँ पे आई पावर 3। तो यहाँ पे देखेंगे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आई पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगा, सो 1 पावर 33 इंटू आई पावर 3। 1 का पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 ही होना है एंड आई पावर 3। ठीक है, तो आई पावर 3 को भी सिंपल कर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, अभी अभी हमने बताया था आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो आई क्यूब की वैल्यू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई विच इज इक्वल टू -1 इंटू आई, सो इट्स आंसर इज -i। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, आई पावर -1 -999। ठीक है, तो इसको सिंपल इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं 1/i/999। ठीक है, एंड 999 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए कितना होता है, 4 2 8, 1 कैरी हुआ 19 हो गया, सो 4 4 16, 3 बचा 39 हो जाएगा यहाँ पे, एंड 4 9 36, एंड यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो इनको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1/i/4 2/49 इंटू आई पावर 3। क्लियर है, अब यहाँ पे देखते हैं 1/i/4 की वैल्यू 1 हो गया, सो 1/249 इंटू आई पावर 3 ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, 1 का कुछ भी पावर हो वैल्यू 1 ही होना है इंटू आई पावर 3 की वैल्यू -i हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 वैल्यू है न्यूमरेटर में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई पावर 4 डिवाइडेड बाई -i, डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे आई पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड आई पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, -i/3 हो गया, i/3 का वैल्यू -1 -i होता है, अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था यहाँ पे, ये i/3 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किया था। ठीक है, सो वैल्यू पुट कर सकते हैं -i, -±+i हो जाना है यहाँ पे आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम एल्गोरिदम बताएं यहाँ पे तो वैल्यू क्या होगा ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए। सपोज हमने यहाँ पे देखा i/n फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी इंटीजर हो सकते हैं, आइदर 1 2 3 4 या -1 2 3 4, ऐसे ही नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे वैल्यू हो सकता है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे हम बात करें एन की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो आई पावर एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, आई पावर ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू वन। पावर किसी भी वेरिएबल या नंबर के ऊपर अगर पावर ज़ीरो है तो उसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है, ठीक है। एंड अदर यहाँ पे क्या होगा, सपोज़ एन की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उस केस में क्या होगा, आई पावर एन इज़ इक्वल टू, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा। सपोज़ एन इज़ इक्वल टू वन हमने पुट किया तो आई हो जाना है, एन इज़ इक्वल टू टू पुट करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा जिसका वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था माइनस वन, एन इज़ इक्वल टू थ्री अगर पुट करेंगे तो आई पावर थ्री हो जाएगा जिसका वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था माइनस आई, ठीक है। एंड एन इज़ इक्वल टू फोर पुट करेंगे तो आई पावर फोर हो जाना है, एंड अभी वैल्यू फाइंड आउट किया था आई पावर फोर इज़ इक्वल टू वन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एन की वैल्यू लेस देन ज़ीरो लें, ठीक है, एन इज़ लेस देन ज़ीरो लें तो आई पावर एन इज़ इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, एन इज़ इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं तो आई पावर माइनस वन हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस आई, ओके। एंड आई पावर माइनस टू अगर पुट करेंगे, मतलब एन इज़ इक्वल टू माइनस टू पुट करें तो आई पावर माइनस टू हो जाएगा, एंड आई पावर माइनस टू का वैल्यू यहाँ पे माइनस वन हो जाना है। एन इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो आई पावर माइनस थ्री हो जाएगा विच इज इक्वल टू हाउ मच आई, ठीक है। एंड एन इज इक्वल टू फोर पुट करेंगे तो आई पावर फोर हो जाएगा एंड इट्स वैल्यू इज़ वन, ओके। तो ये वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए बेसिक से, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व करने का मेथड्स मैंने आपको बता ही दिया है तो आप उससे सीधे अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन होल पावर फोर एन प्लस थ्री, ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, पहले ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं आई के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे होल पावर फोर एन प्लस थ्री है तो सीधे लिख लीजिए माइनस आई पावर फोर एन प्लस थ्री, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वन पावर फोर एन प्लस थ्री और आई पावर कितना हो जाएगा, फोर एन इंटू आई पावर थ्री, ठीक है। और इनको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो ये माइनस वन पावर फोर एन प्लस थ्री, तो आप देख सकते हैं ये इतना टर्म तो इवन है लेकिन थ्री यहाँ पे ऑड है, तो कोई भी नेगेटिव इंटीजर का अगर पावर ऑड है तो रिज़ल्ट में भी इंटीजर आपका नेगेटिव में ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस वन पावर फोर एन प्लस थ्री है, वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाना है, माइनस वन आ जाएगा इंटू आई पावर फोर एन है यहाँ पे, इसकी वैल्यू भी वन हो जाएगा, कैसे, आई पावर फोर होल पावर एन लिख सकते हैं यहाँ पे, आई पावर फोर की वैल्यू वन होगा, होल पावर एन हो जाएगा, सो वन पावर एन इज इक्वल टू वन, तो ये वैल्यू भी वन हो जाना है। एंड आई पावर थ्री की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था माइनस आई होगा, ठीक है, सो माइनस यहाँ भी है एंड माइनस वन के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, देन इट बिकम्स प्लस आई, ये आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू वन टू थर्टीन आई पावर n प्लस आई पावर n प्लस वन, ओके, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। इनको सिंप्लीफाई करना है, आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। समेशन ऑफ n इज इक्वल टू वन टू थर्टीन यहाँ पे लिखा,
एन आई पावर एन यहाँ भी है, आई पावर एन यहाँ भी है, ऐसा इनको लिख सकते हो, आई पावर एन प्लस आई पावर एन इंटू आई, ठीक है, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to 13 एंड आई पावर एन कॉमन ले लिया, रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा एंड यहाँ पे आई पावर एन तो कॉमन ही ले लिया है तो आई बचेगा, सो 1 प्लस आई, ठीक है। अब यहाँ पे आई पावर ये 1 प्लस आई को समेशन के बाहर लिख लेंगे हम लोग, कैसे, यहाँ पे ये 1 प्लस आई लिखा हमने एंड समेशन ऑफ समेशन फ्रॉम एन इज इक्वल टू 1 to 13 आई पावर एन हो जाएगा। अब यहाँ पे एन की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, एन की वैल्यू अगर पुट करें तो क्या हो जाना है, 1 प्लस आई, एन की वैल्यू यहाँ एन के प्लेस पे पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो आई पावर 1 आई हो जाना है, प्लस 2 पुट करेंगे वैल्यू तो आई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 पुट करेंगे एन के प्लेस पे तो आई पावर 3 हो जाएगा, ऐसे ही कंटिन्यूस चलता जाएगा, जो इसका अपर लिमिट है 13 है, सो आई पावर 13 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो भी सीरीज बन रहा है ये ज्योमेट्रिक फॉर्म में है, तो ज्योमेट्री के समेशन का ये वो जो ज्योमेट्रिक मीन होता है उसके समेशन का जो फॉर्मूला होता है सीधे वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग, सो 1 प्लस आई फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सीधे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, आई है, एंड कॉमन रेशियो अगर फाइंड आउट करना चाहें आर का वैल्यू, सो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, सो आई स्क्वायर अपॉन आई, आई आई विल कैंसिल आउट एंड हियर आर इज इक्वल टू आई, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए के प्लेस पे सीधे वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, आई इंटू आई पावर एन, एन के प्लेस पे यहाँ पे 13 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 13 है, सो वी कैन पुट 13 इन द प्लेस ऑफ एन, सो आर पावर 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस मीन्स आई माइनस 1, ओके, सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस आई एंड इनको सिंप्लीफाई करेंगे, आई इंटू आई पावर 13 के प्लेस पे वही 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, सो आई पावर 12 की वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू आई लिखेंगे यहाँ पे तो आई आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, आई माइनस वन आई माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे एंड रिमेनिंग बचेगा आई आई एंड 1 प्लस आई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो आई इंटू 1 कितना हो जाएगा आई, प्लस आई इंटू आई कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, सो फाइनल आंसर वुड बी आई माइनस 1, ठीक है, ये हो गया आपका आई माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़ जाता हूँ, होप सो आप लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, डिस्कस कर लूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चंस आप लोग अपने से ट्राई करिएगा, आई पावर 49 प्लस आई पावर 68 प्लस आई पावर 89 प्लस आई पावर 110, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। एंड सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 8 प्लस अप टू 1 प्लस आई पावर 20, ठीक है, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, क्लियर है। एंड थर्ड वन इज यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस आई पावर 6 प्लस 1 माइनस आई पावर 6, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई करिएगा आप लोग, होप सो आप लोग कर लेंगे सॉल्व इसको, अदरवाइज मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।